C2+100% की बात कर रहे हैं, इसकी प्रक्रिया किस तरह से बने इसके ऊपर आगे बात चल सकती है। और दूसरी, किसान मजदूर का कर्ज खत्म करना, सरकार ये बोल रही है, इसके बारे में आकलन करना पड़ेगा। सरकार के सारे सरकारी बैंक है, अगर भारत सरकार कहे तो दो दिन में सारे आंकड़े उनकी टेबल में पहुंच सकते हैं। यह भी पॉलिटिकल विल पावर का सवाल है। वो बोलते राज्यों से मशवरा करना पड़ेगा, राज्यों को छोड़ दो, आप केंद्रीय बैंक और केंद्र की बात करो, उसमें से फिर फाइनल करो कि कर्ज किसान मजदूर का खत्म करना कैसे करना, बात आगे बढ़ जाएगी। तो मैंने जो आपके समक्ष बातें रखी, मुझे बार बार आप सवाल करते हैं कि इसका हल क्या होगा, तो ये हल के रूप में हम आगे बढ़े। बाकी सब मांगे महत्वपूर्ण है, उनके बारे में विचार करके मांग मना के आगे चला जा सकता। जो खेती संकट को हल करने की बात है, अब खेती किस तरह से प्रफुल्लित हो भारतवर्ष में, असल किसानों का किस तरह से भला हो, ये बात इस तरह से हो सकती है। जहां तक ये कहा जा रहा है कि इससे महंगाई बढ़ जाएगी, अब पहले MSP हमें मिल रही है, बहुत सी फसलों पे सरकार खरीद कर रही है, तो वो बोले धान और गेहूं पे MSP हमें मिल रही है, तो इसका संबंध महंगाई से कहां है, बोल दे। मैं उचित जवाब दे रहा हूं उनको, कहां से महंगाई, जिन फसलों पे सरकार खरीदी करती है उनका रेट बाजार में कम है, जिन फसलों पे सरकार खरीदी नहीं करती है उनके दाम मार्केट में बहुत ज्यादा है, ये उल्ट प्रभाव है। दूसरा, जो ये कहा जा रहा है कि जो किसान मांग रहे हैं ये देश की बड़ी पूंजी इन मांगों पे लग जाएगी, तो ये भ्रमित करने वाली बात है। देखिए, बहुत सी कैलकुलेशन आपके सामने आई है, वो कह रही हैं अगर 23 फसलों की भी हम बात करें, 36,000 करोड़ रुपए से चल सकता है। एक कैलकुलेशन ये बोल रही है कि 2 लाख 2.5 लाख से सारा घाटा पूरा किया जा सकता है, जो सरकार खरीदेगी आगे बेचेगी भी, एक सर्कुलेशन होगा। फर्स्ट ईयर में हो सकता है 2 पैसे अधिक लग जाएं, नेक्स्ट ईयर में ऐसा नहीं होगा। तो ये भी देश को गुमराह करने वाली बात है कि देश की पूंजी का अधिकतर हिस्सा किसानों की मांगों के ऊपर चला जाएगा। और दूसरी बात, और जो मैंने अभी आपके सामने बोला 2.5 लाख 2.5 लाख करोड़ रुपया, तो अभी देखे हमारी आबादी कितनी है, 60% देश का किसान है, तो भाई इतनी GDP में आप देख ले कितनी बड़ी पूंजी, तो ये थोड़ा सा हिस्सा भी हमें देने के लिए तैयार नहीं है। तीसरा, अगर MSP पे लीगल कानून पर खरीदी होगी, सरकार ने PDS सिस्टम रखा, वो बोल रहे हैं हम 80 करोड़ से प्लस लोगों को मुख्त अनाज देंगे, तो कैसे देंगे भाई, आप खरीदेंगे तभी देंगे, खरीदी करेंगे तो देंगे, तो जो पहले आप हमसे खरीदे, किसान को उचित मूल्य मिले, PDS से आप जो गरीब हैं उनको दें, तो दोनों बातें आपस में बिल्कुल आगे बढ़ सकती हैं। आप तो तेल बीज दालें विदेशों से मंगा रहे हैं, किस लिए मंगा रहे हैं भाई, हम पैदा करने के लिए तैयार है, इसलिए बाहर से भी हमें MSP पे खरीदी नहीं होती, तो हम इधर बढ़ नहीं रहे। अगर हमें बोल दें अब MSP लीगल गारंटी कानून माना है, हम आपको पैदा करके देंगे, इसी देश में किसान का भला भी होगा और जो गरीब है PDS में उसे भी दिया जाएगा। तो जो अभी पूरे दुनिया भर में सवाल निकल के आए केंद्र की ओर से, हमने आज की PC में उनका जवाब देने की बात कर रहे हैं।